आज बात करते हैं फेसबुक पर प्यार और शक का शिकार। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। फेसबुक अभी यंग जनरेशन में बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। बूस्ट करते हैं कि भाई मुझे मेरे इतने फ्रेंड्स है, इतने लाइक्स मिले वगैरह वगैरह, और वो एक स्टेटस सिंबल है कि कितने जल्दी कितने लाइक मिल गए। और काफ़ी सारे लोग फेसबुक के ऊपर अपना स्टेटस डालते रहते हैं, अलग अलग फोटोज, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या चालू है, सब डालते रहते हैं। अभी मेरे पास में एक कपल आया, जैसे मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये लेडी इसकी है कौन, डाउट आ गया। तो पहले लगा कि नहीं, इसकी पत्नी नहीं होगी क्योंकि बड़ी दिख रही थी उम्र से। फिर जब उन्हें बातचीत चालू किया तो बोले मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ज़रा एकदम थोड़ा धक्का ही लग गया। मतलब आपकी उम्र कितनी है, तो बोले मेरी 42 साल की उम्र है। मतलब अच्छा, तो लड़का मतलब आपकी उम्र कितनी है, बोले मेरी 28 साल की उम्र है। फिर कैसा क्या हुआ, बोले फेसबुक में हम फ्रेंड बन गए और फिर शादी किया, 1 साल हो गया। तो 42 साल की उम्र है, उसको 10 साल की लड़की है। इतनी दोस्ती हो गई फेसबुक के ऊपर कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और ये लड़का जो था, जो कुंवारा था, इसके साथ में शादी किया। अब देखिए, शादी किया तो ठीक है, अभी इसका लाइफ ठीक चल रहा है, मगर अभी इसके दिमाग में क्या आ गया, धीरे 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 लड़के के दिमाग में, ये देखो ये फेसबुक के ऊपर फ्रेंडशिप करती है, मेरे से प्यार हो गया, अपने हस्बैंड को छोड़ा, ये तो मुझे भी छोड़ सकती है कल, इसके तो और दोस्त होंगे। मतलब इसके दिमाग में और अभी चालू हो गया, शादी के 1 साल बाद अलग अलग विचार। और फिर उसमें उसको हो गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि भाई शिश्न में कठोरता नहीं आना, दिमाग में विचार आना, सेक्स करने जाएंगे तो दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे। और फिर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फिर उसके लिए मेरे पास में आए कि देखो, तो अभी उनका प्रॉब्लम ये था कि अभी शिश्न में कठोरता नहीं आ रही है, सेक्स नहीं कर पा रहे। दूसरा है कि भाई वो लेडी बोलती है कि मेरे ऊपर बहुत शक कर रहा है और हमारे काफ़ी झगड़े भी हो रहे हैं। अच्छा, ये दोनों बहुत दूर दूर रहते थे, मतलब एक वेस्टर्न महाराष्ट्र में रह रहा है, एक ईस्टर्न महाराष्ट्र में रह रहा है, 400 किलोमीटर या ज़्यादा अंतर है दोनों में, और दोनों अलग अलग जगह पर नौकरी कर रहे हैं। अब देखो, मिलते कब है, 1 महीने में 1 बार, और जब मिलते हैं तब झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है लड़के को कि ये तो मेरे को कभी भी छोड़ के चली जाएंगी, इसका तो कहीं भी प्यार हो जाएगा, इसके तो बहुत दोस्त होंगे, और उसके इसमें फिर और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, अब तो मैं उसको सुख नहीं दे सकता, तो फिर तो और वो कहीं चले जाएंगी, इसलिए और उसके मन में शक और पूरा लाइफ बर्बाद। तो मुझे अभी उनको काफ़ी सारे बार बुलाना पड़ा, काउंसलिंग करनी पड़ी, और काउंसलिंग से जैसा उनको जो भी मैंने काउंसलिंग किया, एक तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो मैंने उसको दिया, फिर मैंने उनको हिप्नोसिस सिखाया, सेल्फ हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी दिया। इन शॉर्ट ये हो गया कि भाई मैंने उनको बोला कि आपने शादी क्यों किया, शादी तो आपने झगड़ा करने के लिए नहीं किया, शादी तो आपने अपना लाइफ बर्बाद करने के लिए नहीं किया, शादी तो आपने किया खुशी के लिए, आपने अपने हस्बैंड को छोड़ा, इसके साथ में आए क्योंकि आपको प्यार हो गया, ना आपने जात देखी ना पात देखी, कुछ देखा नहीं, बस प्यार हो गया, आपने शादी कर लिया, तो अभी एक दूसरे को दुखी क्यों कर रहे, झगड़े क्यों कर रहे। बोले मैं तो कुछ भी नहीं करती, मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसे करती होंगी कि इसको ऐसा लग रहा है, देखो आप क्या करती है। तो और आपको भी, मतलब जो लड़का था उसको भी बोला भाई आपने शादी क्यों किया, जब आप 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, ठीक है शक आना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब ऐसा मत समझो कि शक आना ही नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आना ही नहीं चाहिए, ठीक है आ सकता है, मगर अभी उसके लिए आपने शादी की है और शक करना ही है, और शक आते रहते शादी क्यों किया, क्योंकि हर आदमी को शादी के बाद में ऐसा लग सकता है कि जब स्त्री अपनी मतलब पत्नी इतनी दूर है, जब ऐसे स्थिति में शादी हुई है तो हो सकता है कि भाई और कहीं उसका संबंध जुड़ जाए, डर, मगर आप डरे डरे कितने कितने दिन जियोगे ऐसा। काफ़ी सारी सेक्स थेरेपी भी उनको दिया, काउंसलिंग भी किया, और दोनों काफ़ी अच्छे हो गए। कहने का मतलब ऐसा है कि लोग अभी फेसबुक के ऊपर कुछ देखते नहीं है, आगा पीछा कुछ देखते नहीं है, जो जीवन चल रहा है उसको ठोकर देते, मतलब ठोक देते उसको और नई शादी कर लेते हैं, और फिर और बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। अब इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ के फेसबुक के ऊपर खेलने देते हैं, पोस्ट करने देते हैं, पोस्ट देखने देते हैं, और फिर उसमें उनको लत लग जाती है और इसमें प्रॉब्लम है। तो ये एक वार्निंग साइन है, वार्निंग वीडियो है माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए भी, कि हमने कितना टाइम फेसबुक के ऊपर देना चाहिए, फेसबुक के ऊपर हमने कितना उसको सच मानना चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कितना सच मानना चाहिए, और फिर वो करेंगे तो अपना जीवन जो है ना वो सुखी हो सकता है, आपको समाधान शांति मिल सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो।
थैंक यू वेरी मच।